हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देश में कोरोना के केस 3 लाख को पार कर चुके हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें राजधानी दिल्ली से एक बड़ा हिस्सा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सामने आ रहा है और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार डरा रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कोरोना के इलाज पर कल सवाल उठाता है, टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाया जाता है। दिल्ली सरकार कहती है सब कुछ केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। दिल्ली सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि हम आईसीएमआर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नियमों को बदला जाए, क्योंकि अभी तक तो जो गाइडलाइंस आईसीएमआर की तरफ से मिल रही हैं टेस्टिंग की उसी को लागू कर रही है दिल्ली सरकार। तो आज सबसे गर्म बहस में सवाल यही बड़ा हो जाता है कि क्या दिल्ली में ऑल इज वेल है। कोरोना कैपिटल बनती जा रही है दिल्ली। चौबीस घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 100 से ज्यादा की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्टिंग पर उठाए थे सवाल। अब टेस्टिंग के सवाल पर मचा बवाल। टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली सरकार से भारी चूक हुई है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं कोविड के मामले में, और टेस्टिंग भी आपने कम कर दी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस की भी एंट्री। कांग्रेस भी टेस्टिंग के नियम बदलने के पक्ष में। उनका ये सुझाव केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्टिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो अभी भी संतोषजनक नहीं है। मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको शंका है, उसको आशंका है कि उसको कोरोना हो सकता है, या वो पैथोलॉजी में जाए और अपनी जाँच कराए। कोरोना से दिल्ली बेदम, फिर टेस्ट क्यों कम? क्या दिल्ली में ऑल इज वेल है? तो कोरोना से बेदम, फिर टेस्ट आखिर क्यों कम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से दिल्ली पर मंडरा रहा है खतरा कोरोना कैपिटल बनने का। और इसी के मद्देनजर कल देश के गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी, देश के स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। और इस बैठक में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना के केस 36,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली पर कोरोना कैपिटल बनने का खतरा मंडरा रहा है दिल्ली के लिए। खुद दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जुलाई के आखिर तक तो केसेस 5.5 लाख के करीब पहुंच जाएंगे कोरोना पॉजिटिव। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि सिंह इस समय मौजूद हैं। अंजलि, दिल्ली पर कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा है उसके बीच गृहमंत्री ने कल जो बैठक बुलाई है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, प्राथमिकता इस बैठक में किस बात पर दी जाएगी? जी देखिए, जाहिर तौर पर इस बैठक में सबसे अहम बात जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि दिल्ली कितनी तैयार है। जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए लोगों को सही स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाए, लोगों को अस्पतालों में सही इंतजाम मिल पाए, ये एक तैयारियों को लेकर भी एक विशेष चिंता की बात रही है पिछले कुछ दिनों में, और उसी को देखते हुए ये बैठक जो है बेहद अहम हो जाती है फिलहाल दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं बेहद चिंताजनक है, और अब सभी को एक समन्वय बनाने की जरूरत है पिछले और ये सबकी और ये सबकी अंजलि सिंह नींद। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल पूछे कोरोना के इलाज को लेकर, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर, उसके बाद ही खुली है सबकी नींद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जहां तक कही जाए बेहद तल्ख थी दिल्ली सरकार को लेकर, और साफ तौर पर कहा गया था कि बद इंतजामी दिखती है, जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है मरीजों के साथ, क्योंकि अस्पताल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी।
हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में जो बैठकों का दौर है, अब अभी तक एलजी उपराज्यपाल निवास तक ये था, मुख्यमंत्री आवास तक था, लेकिन अब ये केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंच गया है। यानी संज्ञान लेकर इन तमाम चीजों को समन्वय में लेकर आना बेहद जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने आपसी तकरार भी देखी है, कहीं ना कहीं राजनीति भी देखी है, तो ये राजनीति का समय नहीं है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर। लेकिन अंजलि, सवाल तो ये कि राजनीति तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है ना। राजनीति कहां खत्म हो रही है? दिल्ली सरकार से सवाल पूछा जाता है टेस्टिंग को लेकर, तो आकर दिल्ली सरकार की तरफ से बता दिया जाता है साहब आईसीएमआर को क्यों भूल जाते हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, जैसा आईसीएमआर ने फैसला लिया हम तो उस हिसाब से कर रहे हैं टेस्टिंग, और पलटकर आम आदमी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिख दी जाती है स्वास्थ्य मंत्री को कि साहब आईसीएमआर की गाइडलाइंस बदलवाइए जिससे हम टेस्टिंग बढ़ा सके। तो राजनीति कहां नहीं हो रही है? राजनीति तो लगातार जारी है अंजलि। यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि ये समय जो है ये राजनीति करने का नहीं है, चाहे वो देश के जो भी राज्य जिनमें इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं कोरोना के, अगर हम महाराष्ट्र के बाद देखें तो दिल्ली सबसे ज्यादा खतरे की कगार पर है अभी, तो ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। और यही वजह है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को मानना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा, और ये भी देखना होगा कि आगे इससे कैसे लड़ना है। टेस्टिंग की जहां तक बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अब आईसीएमआर की गाइडलाइंस पर सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि उनके ऊपर चूंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेस्टिंग दिल्ली में कम हो रही है, तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस को सरकार जो है वो बदल दे। हालांकि टेस्टिंग की जहां तक बात करें, इसको लेकर राजनीति जो है वो जरूर सामने दिख रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े जारी करके आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी टेस्टिंग हो रही है और दिल्ली में कितनी टेस्टिंग हो रही है, जरा इसकी भी तुलना की जाए। लेकिन देखने की वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश या दिल्ली की राजनीति नहीं है, ये कोरोना से वो लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनसे एक देश एकजुट होकर एक देश के तौर पर हमें कैसे लड़ना है, ये अच्छा कल क्या अंजलि सिंह मुझे लगता है आपको मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि देश ये भी जानना चाहता है कि कल ये जो गृहमंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, क्या इसमें जो बात कही जा रही थी कि टेम्पररी हॉस्पिटल बेड्स अरेंज किए जाएंगे दिल्ली के स्टेडियम्स में और खुली जगहों पर, उसे लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? अंजलि, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक दत्त मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी होंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक दत्त जी, ये हालत दिल्ली की क्यों कोरोना काल में भी दिल्ली में ऑल इज नॉट वेल, सर आपका क्या आकलन है? देखिए, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के ओपनिंग रिमार्क से पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स, हॉरेंडस, हॉरिफिक एंड पैथेटिक, ये वर्ड उन्होंने यूज करे थे, और उससे दो दिन पहले ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा था इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और जो सुप्रीम कोर्ट का मेन इश्यू टेस्टिंग को लेके था, हमको ये समझना पड़ेगा दिल्ली में जिस तरीके से पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं उसी तरीके से दिल्ली के अंदर टेस्टिंग के जो रेशियोज है वो कम हो रहे हैं। मैंने अभी आपकी टीवी चैनल में सुना कि आम आदमी पार्टी ने बोला कि आईसीएमआर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मैं ये जानना चाहता हूं आईसीएमआर ने तो ये भी कहा है कि आप दिल्ली के अंदर और सभी प्रदेशों में डेड बॉडीज को भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग करो, आप उसको तो आपने इजिली इग्नोर कर दिया। जिस चीज को आप इग्नोर करना चाहते हो उसको आप इग्नोर करते हो, जिस चीज को जो आपको कन्वीनियंट लगती है कि आपके आंकड़े सही लगे उसको आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं जी। दिल्ली के अंदर 18 सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग होती है जी। और दिल्ली सरकार के उसमें से केवल 3 अस्पताल है, बाकी जो 15 अस्पताल सरकारी है वो केंद्र सरकार के हैं। केजरीवाल जी ने अपने 3 अस्पतालों में टेस्टिंग की फैसिलिटी दी है, उसके अलावा आईसीएमआर ने 15 अप्रैल को ईमेल लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री को कि हमको एक हॉस्पिटल और है जिसके अंदर हमको टेस्टिंग की परमिशन दी जाए, आज तक उन्होंने उसको कभी रिप्लाई नहीं करा। अच्छा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो सवाल उठा रहे हैं, अभिषेक जी आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए मेरे साथ अब आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जुड़ गए, पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं दिल्ली से। राघव, जो बात यहाँ पर अभिषेक दत्त कह रहे हैं, आप प्लीज ये देश को बताइए कि क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए दिल्ली सरकार अब आईसीएमआर का एंगल ले आई है सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि जो डेड बॉडीज है, जो शव है, उनका भी आप टेस्ट कराओ, उनका कराते हो क्या आप? राघव चड्ढा, देखिए मैं अपनी बात पूरी मैं रख सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आइए, मैं दोबारा आऊंगी अभिषेक जी आपके पास सर, आराम से। जी 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 रोमाना जी, ये है नोटिफिकेशन आईसीएमआर की जो मैं आपके चैनल पे दिखा रहा हूँ, ये 9 पॉइंट की नोटिफिकेशन है, मैं आपके मोबाइल फोन पे भी व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ये 9 बिंदु आईसीएमआर ने जारी कर कहा कि इन 9 बिंदु
वाले लोगों का ही आपने जांच करनी है और किसी की जांच नहीं करनी है, ये आईसीएमआर ने देश के हर राज्य को जारी कर कर कहा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इन 9 बिंदुओं को कॉपी कर कर पेस्ट करके अपना एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आईसीएमआर का ये निर्देश आया है, इसका शब्द शब्द पालन हो। हमने उसका पालन किया। जो लोग हम पे कम टेस्टिंग की आरोप लगाते हैं, कम जांच का आरोप लगाते हैं, मैं उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि 13,000 प्रति मिलियन यानी कि हर 10 लाख की आबादी पे 13,000 लोगों की जांच दिल्ली में हो चुकी है, ये देश का सबसे बड़ा आंकड़ा, और किसी राज्य में इतनी जांच नहीं हुई है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 प्रति मिलियन पे भी नहीं हुई, महाराष्ट्र में 4,000 प्रति मिलियन पर भी नहीं हुई, अहमदाबाद में 1200 प्रति मिलियन पर भी नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 13,000 प्रति मिलियन पर हुई है। और यदि मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से ये बात रखना चाहता हूं रोमाना जी, यदि आप लोगों को लगता है और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जांच की प्रणाली के अंदर या जांच करने के क्राइटेरिया के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है जी, तो आज मैं आपके आपके बड़ा जाना माना चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से आईसीएमआर को अनुरोध करूंगा कि वो अपना ये सर्कुलर विड्रॉ कर ले। हम हर गली नुक्कड़ पे जांच करेंगे, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, खून टेस्ट होता है, उस प्रकार से जिस व्यक्ति को जांच करानी है वो कराएंगे। देखिए साफ तरीके से आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि अब राजीव प्रताप रूडी को आना चाहिए, क्योंकि आपने ये देश को दिखाया कि भाई 9 गाइडलाइंस जो आईसीएमआर की तरफ से दी गई थी उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है। आपने पूरी बात रख दी है, अब राजीव प्रताप रूडी को आना चाहिए और उनको देश को बताना चाहिए कि सर आप ये बताइए कि फिर गाइडलाइंस में गड़बड़ी है क्या, गड़बड़ी क्या आईसीएमआर की गाइडलाइंस में है, वो इतनी सख्त है क्या सर कि टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। देखिए रुमाना जी, कोविड सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत वर्ष में है और हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता है कि दिल्ली की सरकार इतने बैकफुट पर क्यों है, क्योंकि उसके सभी प्रवक्ता ऐसा ही मानते हैं कि दिल्ली ही पूरा भारत है और भारत ही दिल्ली है, ऐसा नहीं है। और अगर वहाँ उन लोग का प्रयास चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेपिंग होल्स हैं, और आज अगर दिल्ली पर इतनी बड़ी चर्चा होती है या सभी चैनल, मुंबई में भी स्थिति खराब है, चेन्नई में भी स्थिति खराब है और भी कई स्थानों पर कुछ फैलाव बढ़ता जा रहा है, आज भारत 5वें 24वें 4वें स्थान पर आ गया है पूरा दुनिया में, ये सब चर्चा है, लेकिन अगर एक राज्य सरकार निरंतर ये चेष्टा कर रही है कि हम बहुत गजब हैं और बाकी लोग ऐसे वैसे ही हैं और राज्य सरकारें और हम इस यहाँ गजब काम कर रहे हैं और ये गजब कर रहे हैं और ये हमने किया, ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की चर्चा क्यों आई, ये मेरा एक मूल प्रश्न है। और मैं पिछले 10-15 दिनों से देखता हूँ दिल्ली सरकार में एक छटपटाहट है अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। बीच में आना पड़ रहा है सर, क्योंकि मेरा सवाल तो वही रह गया, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि टेस्टिंग को लेकर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं बिल्कुल उसी हिसाब से तो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है। तो मैंने आपसे यह पूछा था सर कि क्या आईसीएमआर की गाइडलाइंस में ही गड़बड़ी है, इसी वजह से क्या कम टेस्टिंग हो रही है, इसका जवाब चाहिए देश को। ये तो राघव जी बता सकते हैं या आपके जैसा कोई विद्वान ही बता सकता है कि आईसीएमआर गलत है या दिल्ली सरकार का टेस्टिंग का तरीके, इस पर तो मैं पढ़ने ही वाला नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं साइंटिस्ट हूं, ना मैं आईसीएमआर का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ना मैं डॉक्टर हूं। हाँ। मैं तो जनरल एक विषय बता रहा हूं कि ये आखिर ये विषय पर इतना घमासान क्यों हो रहा है। हाँ। और अभी अभी एक अखबार में आया था कि दिल्ली में 70% सरकारी बेड खाली पड़े हुए हैं, अब ये और उसके बाद से दिल्ली की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हम दिल्ली में बने ही आने लेंगे, आखिर आप जो इतना ढोल पीट रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि दिल्ली में हमने गजब कर दिया, व्यवस्था गजब कर दी, ये क्यों रिपोर्ट आता है कि 70% लोग आपके अस्पतालों में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ये तो काम अगर बंद कर दे आम आदमी पार्टी के लोग कि हम गजब हैं, देश बेकार है, ठीक है, तो शायद उसके बाद जवाब तो देंगे आप, मैं तो आप बोल रहे थे। और हाईकोर्ट भी आपके पीछे पड़ गया है, सब पॉलिटिकल जमात के लोग भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार एक प्रकार ये अच्छा नहीं होगा, पर आप बहुत ज्यादा बेचैनी की अवस्था में, अरे पूरे भारत वर्ष, पूरा भारत जूझ रहा है, दिल्ली भी जूझ रहा है, मैं जवाब लेती हूं, समझ रहे हैं, मैं जवाब लेती हूं, मैं जवाब लेती हूं, क्या राघव चड्ढा बैकफुट पर दिल्ली सरकार क्यों है, ये सवाल यहां पर उठा रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। आइए राघव जी, मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए
जहां तक मेरे बेचैनी और उत्तेजना का सवाल है, हाँ मैं बेचैन हूँ, मेरा मन उत्तेजित है। वो इसलिए उत्तेजित है कि यदि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति की जान जाती है, अगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो रात भर मुख्यमंत्री जी को नींद नहीं आती और हम परेशान होते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ गया है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों की जाने बचाएं और बढ़िया से बढ़िया इलाज उन्हें मुहैया कराएं। और अगर हमारे इलाज में कहीं कमी है आप हमें बताएं। और मैं राजीव प्रताप रूडी जी से कहना चाहता हूं, उनको अगर कुछ लगता है हम कहीं कहीं बेहतरी कर सकते हैं तो मैं इस चैनल पर आपको अपना वचन देता हूं कि हम वो बेहतरी करेंगे। ये राजनीति का समय नहीं है। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का आपने सवाल किया तो हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये आपको बताना चाहूंगा रोमाना जी, अगर हम आईसीएमआर की गाइडलाइन, जांच की गाइडलाइन का पालन ना करते तो आज इन आपके चैनल पर जितने प्रवक्ता बैठे हैं सब कहते हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल जी इस समय भी राजनीति कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार कह रही है उनकी बात नहीं मान तो रहे। राघव चड्ढा, आज हम आईसीएमआर की गाइडलाइन मान रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि आप उनकी गाइडलाइन तो राघव चड्ढा, राघव चड्ढा मेरी पिट भी मेरी नहीं 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 राघव जी मुझे लगता है इस मौके पर तो फिर आपको एलजी का धन्यवाद करना चाहिए सर, क्योंकि यही आईसीएमआर की 9 गाइडलाइंस जिसका आप यहां पर हवाला दे रहे हैं कि किस तरीके से शब्दशः दिल्ली सरकार फॉलो कर रही है, आपने तो सर उसको बदला था, आपने तो एसिम्प्टोमेटिक के लिए टेस्ट जरूरी नहीं ये कर दिया था सर। ये तो एलजी ने आपका फैसला बदला ना सर, एलजी ने आपका फैसला पलटा, ये क्या मैं गलत कह रही हूँ तो आप बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ, देखिए मैं आपको वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा आप आईसीएमआर की सारी गाइडलाइन जो एक पन्ने की गाइडलाइन है जिसमें मात्र 9 बिंदु लिखी है वो अपने चैनल पर दिखाइए। सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा, न जाने क्यों इतना विवाद बन रहा है। और यदि हम जांच कम कर रहे होते तो ऐसा कैसे होता कि इस देश में जहां औसत एवरेज जो है जांच की वो 2500 प्रति मिलियन है, वो दिल्ली में 13000 प्रति मिलियन है। राघव आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस थी उसको बदलने के लिए तो 2 जून को आप लोग अपनी गाइडलाइंस ले आए थे। आपने तो जो एसिम्प्टोमेटिक है कॉन्टैक्ट के साथ है उसको आपने कहा था कि जरूरत ही नहीं है अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है उसको जांच करने के लिए। आपका फैसला तो एलजी ने पलटा, आप भूल गए क्या? जब एलजी ने एक फैसला किया था जो पूरे देश में गूंजा कि साहब दिल्ली के अंदर बाहरी और दिल्ली वाले का इलाज में भेद नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ एलजी साहब ने यह फैसला भी आपका पलटा था कि नहीं अगर कोई कॉन्टैक्ट के साथ कोरोना पॉजिटिव के साथ एसिम्प्टोमेटिक है तो उसकी जांच कीजिए। ये मैं तो आपको बता देता, देश ने देखा तो था ना कैसे आपका फैसला पलटा गया था। देखिए ऐसा है, हाँ इसमें कोई दोराई नहीं है कि जहां तक अस्पतालों में इलाज का सवाल है उस पर एलजी साहब ने हमारा फैसला पलटा, हमने उसको कोई विवाद नहीं बनाया, हमने कहा हम स्वीकारते हैं, हम सबका इलाज करेंगे, अब सारा बोझ अरविंद केजरीवाल जी के सर पे उनकी दिल्ली पे डालिए, दिल्ली वाले सबका इलाज करवाएंगे, इसका हम पूरा पूरा हम अगर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है हम सेवा करेंगे। लेकिन जहां पर जांच की बात है मैं आपको फिर कहना चाहूंगा हमसे कहां चूक हो गई, हमने आईसीएमआर की बात मान ली, आईसीएमआर की बात नहीं माननी चाहिए थी आप लोगों की विचार से, तो मुझे ऐसे लगता है मैं आपका प्रस्ताव आगे रख दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि आईसीएमआर की बात मत मानिए या आईसीएमआर से कहिए कि वो संशोधन कर दे। चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकती और मैं ये कह रहा हूं इसको छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, जो जांच हुई नहीं हुई ये विवाद भूल जाइए। मैं आपको ये कह रहा हूं आपके चैनल पर आज वचन दे रहा हूं, यदि कहीं गड़बड़ी है आपका चैनल कोई तहकीकात करके बताता है कहीं हमसे चूक हो रही है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उस पर एक्शन लेगी और व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। जब बड़े बड़े देश जब न्यूयॉर्क चैनल को तहकीकात करने की तो जरूरत ही नहीं है ना सर, मेरे ख्याल से जब देश की सबसे बड़ी अदालत जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब अस्पताल में बेड खाली है और मरीजों को भटकना पड़ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुंबई में 15-17 हजार टेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में 7 हजार से भी कम टेस्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर किसी को यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तो जरूरत है नहीं। यहाँ तो सब सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से ही साफ कर रहा है सर। आइए मुझे दस सेकंड दे दीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जब गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि गुजरात सरकार और गुजरात सरकार की हेल्थ व्यवस्था एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है तो क्या हुआ, जज को बदल दिया गया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक अफसर ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच नहीं कर रही है, उस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नुमाइंदा आपके चैनल पर यह कह रहा हूं, यदि हमसे कोई भूल हुई है, कोई आपको लगता है बेहतरी करने की आवश्यकता, आईसीएमआर की गाइडलाइन को दरकिनार करने की आवश्यकता है,
तो हम आपकी इस सजेशन को स्वीकारते हैं और हम उसका पालन करेंगे। ये फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है अभिषेक जी के पास चलना चाहिए। ठीक है मैं अभिषेक जी के पास आ रही हूँ, लेकिन ये बताते हुए कि मेरा दर्शक देख रहा है कि मैं सवाल आपसे दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूछती हूँ, तो जवाब में आप मुझे गुजरात में कोरोना की स्थिति पर वहाँ की हाईकोर्ट में जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जवाब देंगे। ठीक है सर, 17 जून को है सुनवाई, दीजिएगा प्लीज, दीजिएगा जवाब। हम तो चाहते हैं कि स्थिति बेहतर हो। अब सर अभिषेक जी को सुन लीजिए, वो बहुत देर से अपना हाथ उठाए हुए सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आंकड़े सामने आए थे उसमें तमिलनाडु में एक हफ्ते में 15,248 जांच हुई थी, महाराष्ट्र में 13,421 हुई थी, बंगाल में जाके आप जागृत भी सुनने की थोड़ी हिम्मत रखिए, मेरे सुन लीजिए, बंगाल के अंदर 9,000 रुक जाइए आप, रुक आपके प्रति मिलियन में भी आ जाएंगे। आपको आप बोल रहे थे, कोई बोल रहा था बीच में, आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की आदत डालिए। मैं जरा सा ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस समय अपने अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं, ये कोरोना काल है सर, अगर इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो दर्शक कुछ नहीं समझ पाएगा। कम से कम दर्शक को अपनी बात पहुंचने दीजिए उसके मन तक, वो अपने आप फैसला ले लेगा। सर आपने अपनी बात रख दी, अब अभिषेक जी को सुन लीजिए, फिर राजीव जी से रिएक्शन लेते हुए आपके पास दोबारा आऊंगी। आइए अभिषेक, मैं पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में जो एवरेज है 5,353 जांच इन्होंने करी है, और उसमें अगर आप कन्वर्जन रेट देखोगे, दिल्ली का देश में सबसे ज्यादा 29.3% कन्वर्जन रेट है, यानी कि हर तीसरे आदमी को दिल्ली में कोरोना है। मैं राघव चड्ढा जी से पूछना चाहता हूँ, पहले वो नहीं थे डिबेट के अंदर, आपने दिल्ली सरकार के 18 सरकारी अस्पतालों में से केवल 3 दिल्ली सरकार के अस्पताल आपने क्यों चुने जांच के लिए? राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, मौलाना आजाद, और जो चौथे आईसीएमआर ने आपको ईमेल लिखी है, जिसकी आपको 15 अप्रैल को ईमेल लिखी थी कि आप एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को परमिशन दो जांच के लिए, आज तक आपने नहीं दी। मैं जवाब आईसीएमआर को पहले कंप्लीट करने दीजिए। आईसीएमआर को अगर आप इतना मानते हो, आईसीएमआर ने कहा है कि आप डेड बॉडीज की ट्रेसिंग करो, आपने वो क्यों रोक दी? आपको जो कन्वीनियंट आईसीएमआर की बात लगती है वो तो आप मान लेते हो, जहां आप एक्सपोज होते हो वो आप नहीं मानते हो। लास्ट मेरा आपसे सवाल है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक केसेस की टेस्टिंग नहीं करते तो अरविंद केजरीवाल जी की एक दिन में टेस्ट हो गई, एक दिन में रिपोर्ट कैसे आ गई? उनके आसपास तो किसी को कोरोना नहीं था। जो चीज आपको सूट करती है आप जवाब दो ना, आप तो दोगे जवाब। ठीक है। राघव एक मिनट, आपने अभिषेक जी को सुन लिया, बहुत देर से राजीव जी नहीं आ पाए, उनके भी सवाल आपसे ही होंगे। बिल्कुल आप ही के पास आऊंगी, लेकिन जरा सा राजीव जी के भी सवाल सुन लीजिए ना, निष्पक्ष बहस ही कर रहे हैं सर। जवाब देने दीजिए फिर राजीव जी से, जवाब राजीव जी के सवाल सुन लीजिए ना, बहुत देर से वो बहस में नहीं आ पाए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अभिषेक जी ने तो वही सवाल उठाए जो उन्होंने शुरू में भी आपसे पूछे थे, वही सवाल उन्होंने रिपीट किए, सबसे पहले भी उन्होंने यही सवाल आपसे रिपीट किए थे। आइए राजीव जी। राघव जी, पता नहीं आपने कुछ आईसीएमआर का निकाल के कहा कि हम कर रहे हैं, हम जब से कोविड लगा है ये सब सर्कुलर पढ़ रहे हैं, और आज पता नहीं कौन सा ज्ञान लेकर के आज हमको आईसीएमआर का सर्कुलर पढ़ाने लगे कि हम ये किया तो हमने ठीक किया। पूरे भारतवर्ष अपने अपने उनकी व्यवस्था है, वो लोग कर रहे हैं। साहब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवरों से भी बदतर हालत है दिल्ली में, ये हमने नहीं कहा, हम लोगों ने बैठ के कोई पॉलिटिकल आदमी ने नहीं कहा, और आप जो कह रहे हैं बाकी राज्य, कभी गुजरात की बात कर रहे हैं कभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप जानवरों की तरह लोगों को पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र के बारे में और तमिलनाडु के बारे में कहा कि सिचुएशन इज ग्रिम, वहां चिंता व्यक्त की। टिप्पणी तो सीधे तौर से उच्चतम न्यायालय के आपके वर्किंग का है, जिसको छिपाने के लिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली में रोक लगाया, कहा कि बाहर के मरीजों को हम नहीं करेंगे, एक प्रकार की साजिश रची, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवररूल करना पड़ा, फिर आपने कहा कि हम इसको मान लेते हैं क्योंकि आपकी व्यवस्था जो स्वास्थ्य के नाम पर आपने पिछले चुनाव में वोट लिया था, और दिल्ली में बैठ के जो आप दुगुली बजा रहे थे कोरोना की जीत का कि देश के सबसे हमारे मुख्यमंत्री सोते नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती है, ये सब आपने आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप जवाब लेंगे राघव चड्ढा से, लेकिन उससे पहले राजीव जी आपको भी ये जवाब देना चाहिए ना सर कि जब कोरोना काल है, जब हालात जो हैं वो जमीन पर जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसे देखकर फैसले लेने की आप जिम्मेदारी एक तरीके से राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं, तो फिर आईसीएमआर का ये बंधन क्यों? फिर राज्यों को दे दीजिए ना आजादी कि वो अपने यहां जिस तरीके की जरूरत, जिस तरीके का हिसाब किताब हो उसके हिसाब से रूल्स बना ले टेस्टिंग के। आईसीएमआर को फिर बीच में क्यों लेकर आती है केंद्र सरकार? और अब जो आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर विपक्ष ने लगाए, राघव चड्ढा जवाब दीजिए, क्या केजरीवाल सरकार नाकामी अपनी छुपाने के लिए आईसीएमआर को ढाल बना रही है क्या?
देखिए, सबसे पहले अगर आपको या आपके चैनल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भला बुरा बोलने से स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और कोरोना इस देश से भाग जाएगा, तो रोज खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी वो करिए, लेकिन इससे स्थिति बेहतर नहीं होगी। हम सबको साथ मिलकर काम करना है और मैं पिछले 20 मिनट से आपके चैनल पर सिर्फ यही रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ हमें केंद्र सरकार और नगर निगम से मदद चाहिए और एक टीम बनकर हमें लड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ नकारात्मक बातें और गंदी राजनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसको आपने मंच दे रखा है। मैं आपको ये साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बीते 75 दिन में जो व्यवस्था बनाई है, 500 बेड से 9,500 ऑक्सीजन बेड बनाने का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता देश की किसी राज्य ने किया है। दूसरी चीज और सबसे अहम चीज, यदि हम केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हुए जांच तो उसी हिसाब से करें तो हम पर आरोप लगता है कि हम कम जांच कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहूंगा आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसमें फेरबदल कर दीजिए या हमें कह दीजिए हम अपनी गाइडलाइंस लागू कर सकते हैं, हम हर गली नुक्कड़ पर जांच कराएंगे। झूठ फैलाया जा रहा है कि जिन लोगों की जाने चलेगी उनकी जांच नहीं हो रही, झूठ फैलाया जा रहा है कि न जाने 7,000 बेड खाली पड़े हैं सरकारी अस्पतालों में, झूठ फैलाया जा रहा है। प्लीज राघव को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी सर, कोई किसी के बीच में ना बोले, राघव को जवाब देना है पहले। आइए राघव, पहली चीज तो यह है कि जो लोग जांच पे आरोप लगाते हैं, 13,000 प्रति मिलियन की जांच दिल्ली में हो रही है, हमारे अस्पताल पे आप लोग सवाल खड़ा करते हैं एक वीडियो के आधार पे, एलएनजेपी अस्पताल वो अस्पताल है जिसमें बीते 60 दिन से डॉक्टर और नर्सेज अभी तक घर नहीं गए हैं, अपने लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक बार कोरोना हो चुका है, वो रिकवर होकर उन्होंने मंडे को ड्यूटी ज्वाइन करी है, उनका मनोबल टूटता है जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं। 2,500 मरीज एलएनजेपी से ठीक होकर घर जा चुके हैं और आपके चैनल पर मैं बताना चाहूंगा कि परसों एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका अध्यक्ष हम नहीं नियुक्त करते, केंद्र में बैठी सरकार नियुक्त करती है, उन्होंने दौरा किया और एलएनजेपी अस्पताल को सर्टिफिकेट दिया, हरी झंडी दिखाई और कहा बेहतरीन अस्पताल चल रहा है। अगर इसके बावजूद भी हमारे काम में कहीं कमी है तो मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ, आप लोगों की नकारात्मक रवैया नहीं चाहता, आप लोगों के सुझाव चाहता हूँ। आप मुझे सुझाव देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उन सुझावों को लागू करेगी। लेकिन अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है बताने का रोमाना जी कि आपातकाल की परिस्थितियां दिल्ली में है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा थोड़ा चक्कर अहमदाबाद भी मारिए, उत्तर प्रदेश भी घुमाइए, बिहार भी ले आइए जहाँ जांच भी हो रही है, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी दिखाइए। ठीक है, क्योंकि ये राजधानी मैं अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ और इस सवाल के साथ आगे बढ़ा रही हूँ कि क्या यहाँ पर वो जो प्रधानमंत्री ने कहा था आपदा में अवसर, वो राजनीतिक पार्टियों ने तलाश लिया है क्या? मुझे लगता है अब अभिषेक जी को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि अभिषेक जी, इस कोरोना काल में आपको मौका मिल गया क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का शिकार करने का? क्योंकि सर कमियां तो यहाँ पर एमसीडी की तरफ से भी बहुत हैं, वहां पर तो आप चुप हो जाते हैं और केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए आप लोग झंडा बुलंद कर लेते हैं। सर अभिषेक जी, देखिए मैम, शायद आपको एकदम गलत फहमी है। परसों जब हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट करी थी, अजय माखन जी और मैं उनके साथ खुद गया था, हमने दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार प्लस एमसीडी, तीनों की कमियों के साथ में इनको हमने सजेशन भी दिए थे। ये नहीं कि हम केवल क्रिटिसाइज करें, मैं राघव जी को सजेशन देना चाहता हूँ, दिल्ली की अस्पतालों की अर्थव्यवस्था क्यों खराब है? इनको शायद पता होगा कि जो उनकी डॉक्टर्स की पोस्ट 2600 की है उसमें से 750 पोस्ट खाली है, जो हमारी नर्सेज बहने हैं उनकी 7500 की पोस्ट है उसमें से 1200 पोस्ट खाली है। अगर आप ओवरऑल की बात करोगे 18,836 मेडिकल पोस्ट है दिल्ली के अस्पतालों में, जिसमें से 6000 पोस्ट खाली हैं। जब ये एलएनजेपी की बात करते हैं, जब ये हाई टेस्टिंग की बात करते हैं, मैं राघव जी से पूछना चाहता हूँ, हाई टेस्टिंग के साथ जो उससे बड़ा क्राइटेरिया वो है जो रिकवरी के साथ साथ कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। दिल्ली के अंदर अगर आपने 260,000 से ज्यादा जांच कर ली है, आप तो जवाब दीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा पूरी बात का, जो आपने 260,000 से ज्यादा जांच कर ली है परंतु उनमें से टेस्टिंग कितने की अभी भी पेंडिंग है रिपोर्ट, आप उसमें तो बात करते ही नहीं। अगर टेस्टिंग पर मिलियन आपकी सही है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहा हूं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बता रहा। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं तो रूडी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपके नगर निगम का एक भी अस्पताल कोविड नहीं है और जो आपकी केंद्र सरकार के 16,000 बेड है आपने से उसमें से मात्र 6,000 या 7,000 बेड क्यों कोविड के लिए करें? अगर आज आप तीनों सरकारों को जोड़ते प्राइवेट के साथ दिल्ली में 57,000 बेड है। मैं तो चाहूंगा सारी सरकारें प्राइवेट अस्पतालों के साथ, मुझे लगता है रूडी जी को आना चाहिए क्योंकि रूडी जी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल देते हैं। हाँ, तो लेकिन टेस्टिंग की गाइडलाइन जो है वो केंद्र का आईसीएमआर तय करेगा और दिल्ली के अंदर जहां पर एमसीडी में बीजेपी
का होल्ड है, जहां पर केंद्र सरकार है वहां पर चाहे केंद्र के अस्पताल हो चाहे एमसीडी के अस्पताल, वहां तो सर कोविड इस कोरोना की जंग में निपटने के लिए आप लोग दिल्ली सरकार की मदद करते नहीं है सर। अच्छा, मैं आपके आपको ये रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने सब दिमाग में बैठा लिया था कि किन किन प्रश्नों का उत्तर देना है। मेरा जब समय आता है तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो एक तो राघव जी को खराब लगा कि हमने कहा कि उनके मुख्यमंत्री की, मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री रात रात भर नहीं सो रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब सो जाना चाहिए उनको, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, और मैंने कुछ नहीं कहा था। और आपने कहा तो ये आईसीएमआर का गाइडलाइन बहुत ही खराब है और आईसीएमआर में सब लोग पागल ही बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता है और दिल्ली की सरकार ज्ञानी थी। तो हमेशा दिल्ली की ज्ञानी सरकार को एक बात का ध्यान देना चाहिए था राघव जी, कि वो गाइडलाइंस एडवाइजरी है, अगर आप उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने पर कहीं रोक नहीं था। और अगर इस बात पर आपको आपत्ति थी जब उच्चतम न्यायालय ने आपकी इतनी ज्यादा बुराई की, पब्लिकली आपको इतना लथाड़ा, तो आपके वकील जो श्रॉफ साहब थे उन्होंने क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट के कि गाइडलाइन साहब का आईसीएमआर का खराब है, अगर वो ठीक रहा तो कोई हालत नहीं। कल परसों आपने क्यों नहीं कहा साहब, आपकी बुद्धि नहीं। अच्छा एक मिनट, आप सुनो तो भाई, मैं तो जैसे सवाल पूछ लेता हूं, कल क्यों नहीं कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गाइडलाइंस खराब है। और सबसे बड़ी बात, आप जो राज्य सरकारी की बात कर रही हैं रोमाना जी, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिल्ली की ये सरकार को छेड़ के भारत में किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है, किसी सरकार के पास, कि भारत की सरकार से अभी तूतू मैं करे दिल्ली की सरकार को छोड़ के। ये जो वन अपमैनशिप है ना पॉलिटिक्स में कि हमने गजब कर दिया, हमने दिल्ली को गजब कर दिया। मैं जवाब देना चाहूंगा, सर यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि भाई किसी राज्य सरकार को इतनी फुर्सत दी है सिर्फ दिल्ली की सरकार को छोड़कर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि दिल्ली की सरकार आपके साथ इस समय राजनीति कर रही है, जबकि खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के आकर मीडिया के सामने ये बात कहते हैं, बाकायदा ऐलान करते हैं कि साहब जो कह रहे हैं एलजी साहब उस फैसले को मानेंगे, ये समय राजनीति करने का नहीं है। बावजूद इसके सर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है और हम देखते हैं बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सामने आ जाते हैं। आप तो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री को सो जाना चाहिए, लेकिन कल आप ही की पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे थे केजरीवाल सरकार सो रही है, वो तो कह रहे थे कि अब जाग जाना चाहिए, आप कह रहे हो सर सो जाना चाहिए। रोमाना जी आप पूछी तो सवाल का उत्तर मैं देने के लिए तैयार हूं। आपने कहा चार दिन तक ये भारत की सरकार और देश की सरकार और देश के लोगों कहते रहे एक मरीज को दिल्ली नहीं घुसने दूंगा, एक आदमी का उपचार नहीं करूंगा दिल्ली से नहीं। कोई वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है केजरीवाल साहब, उनको पता था इन सब बयानों का एक अंतिम निर्णय आएगा कि ये असंवैधानिक कदम वो दिल्ली में उठा रहे हैं, उस पर रोक। मैं जवाब देना चाहूंगा के अधिकार से गवर्नर चाहते, वो चाहते थे कि ये परिस्थिति आए, एक वो चाहते थे केजरीवाल साहब बहुत सोच समझ के चलते, वो क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था चरमरा चुकी थी, वो फेल कर चुके थे, उनको पता था कि हमको एलिबाई बनाना है और एलिबाई बनाने के लिए एक ऐसा निर्णय लो जो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक निर्णय को तोड़ा जाएगा और उसके बाद कहेंगे कि नहीं एलजी साहब जो कहेंगे हम करने के, लेकिन आप एक्सपोज हो चुके हैं और एलजी साहब का बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। रूडी सर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को प्यादे समझ लिया जिन्हें वो चौसर की गोटियों की तरह सेट कर रहे थे? ये दिल्ली और बाहरी का मुद्दा उठाकर क्या केजरीवाल ने पहले से ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए मोहरे गोटियों की तरह सेट कर लिए थे?